फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की ना ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप ओपन कर लेना है, ठीक है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में नीचे की साइड में ये एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जब आप अपने फोन को कभी भी यूज नहीं करते ना, तो आपके फोन का इंटरनेट आपको बंद रखना है और ब्लूटूथ भी बंद रखना है, और आपका फोन का हॉटस्पॉट जो होता है हॉटस्पॉट भी बंद रखना है, ठीक है। अब एक बात यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फोन की जो ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस को अगर आप फुल रखेंगे ना, तो ब्राइटनेस जो है फुल रखने से भी मोबाइल फोन ओवरहीट होता है। आपको ब्राइटनेस को उतना ही रखना है जितनी आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब दोस्तों, खास बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने फोन को कंटिन्यू अगर ज्यादा देर तक यूज करते हैं, मान लीजिए आपने अपने फोन को 1 घंटा 2 घंटा इससे ज्यादा देर कंटिन्यू यूज करा है ना, और इसके तुरंत बाद अगर आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा देंगे तो इससे आपका फोन ओवरहीट होगा। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, आपको जो है ना मोबाइल को फोन को थोड़ा 15-20 मिनट का रेस्ट देना है, उसके बाद चार्जिंग पे लगाना, इससे फोन ओवरहीट नहीं होता है, ठीक है। और एक बात यह भी ध्यान रखनी है, कवर केस यानी पीछे का जो कवर होता है मोबाइल का, उसे निकाल के चार्जिंग पे लगाना है, ठीक है। अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहां पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहां पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले भी दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।